इस वीडियो में हम देखेंगे कि WhatsApp पर आप बोलकर कैसे टाइप कर सकते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। बोलकर टाइप करने वाला फीचर कई समय से WhatsApp पर है, पर हाल ही में किसी ने मुझसे इसके बारे में पूछा तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देती हूँ। आइए देखते हैं। ये है WhatsApp और मैं यहाँ पर एक चैट में पहले से हूँ। अगर आप यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक कर लीजिए और ये इस तरह से कीबोर्ड खुल जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ पर बोल कर भी टाइप कर सकते हैं तो कैसे होगा? यहाँ पर देखिए, ये इस माइक के नीचे ये एक और माइक है जो कीबोर्ड का हिस्सा है। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो एक माइक सा आ जाएगा और फिर आप कुछ भी बोलकर टाइप कर सकते हैं। चलिए दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर मैं क्लिक करके कुछ बोल देती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? ये देखिए, ये इसने अपने आप मेरी आवाज सुनकर यहाँ पर टाइप कर दिया। मैं एक बार इसे टैप करके रोक देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो भी मैंने बोला वो अपने आप से टाइप हो करके हिंदी में आ गया। अगर ये ठीक से टाइप हुआ है तो आप ये सेंड के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सब कुछ हिंदी में आया, तो मैंने हिंदी में कैसे टाइप किया? यहाँ पर एक चक्री सी बनी है। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये आपकी लैंग्वेजेस की ऑप्शंस खुल जाती हैं। इधर आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस की ऑप्शंस हैं। इधर क्लिक करते हैं और ये देखिए, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको दी हुई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ इंग्लिश इंडिया। इंग्लिश यूके पहले से सिलेक्टेड है। आप चाहें तो आप कोई और लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। यहाँ पर नीचे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और एशिया की भी बहुत सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, जैसे कि ये है हिंदी भारत, जो मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। चलिए अब हम सेव पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद मैं इंग्लिश में बोलकर देखूंगी। सेव पर क्लिक किया और ये वापस वॉइस पर आ गए। अब दोबारा से इधर क्लिक करते हैं, अब ये कीबोर्ड खुल गया और अब यहाँ पर इस माइक पर क्लिक करके कुछ इंग्लिश में बोलने की कोशिश करती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? अगर आप ध्यान देंगे तो अब ये इंग्लिश में आया है, क्योंकि पहले मेरी डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी थी। अगर आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी दोनों रखना चाहते हैं तो फिर क्या होता है, आइए देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है टैप टू स्पीक। हम टैप टू स्पीक पर क्लिक करके और हिंदी में कुछ बोल लेते हैं। कैसे हैं आप? ये देखिए, उसने अपने आप ये समझ लिया कि ये लैंग्वेज हिंदी है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस अपनी लैंग्वेज की सेटिंग में चूज की हुई हैं, लेकिन जब मैंने हिंदी में बोला तो उसने हिंदी में अपने आप टाइप कर लिया। अब चलिए कुछ और बोल के देखती हूँ इंग्लिश में। नाउ आई कैन स्पीक एंड टाइप। ये देखिए, ये इंग्लिश में आ गया। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर चूज करते हैं। ओ, ये सुनता जा रहा है, मैं इसको टैप कर देती हूँ जिससे कि ये सुने ना। आप यहाँ से इस तरह से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये वापस से डिलीट हो गया। अब अगर आपके पास ये वाला कीबोर्ड नहीं आता या आपके पास ये वाली ऑप्शन नहीं आती तो आप अपनी सेटिंग्स में जा करके भी चुन सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये देखिए, यहाँ से ऊपर गए और मेरा ये सैमसंग नोट 4 है, लेकिन किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में आप ऊपर यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं और जब आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आपके पास आती है लैंग्वेज की सेटिंग्स। चलिए हम लैंग्वेज की सेटिंग्स में चले जाते हैं। यह है लैंग्वेज एंड इनपुट। लैंग्वेज एंड इनपुट पर क्लिक किया,
यहाँ पर आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेज के अंदर हमें जाना है गूगल वॉइस टाइपिंग पे। इधर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये वही मेन्यू है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। यहाँ पर ये लैंग्वेजेस हैं और डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश यूके, इंग्लिश इंडिया और हिंदी भारत। आप यहाँ पर कितनी भी लैंग्वेजेस चुन सकते हैं। इंग्लिश के अंदर भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, क्योंकि वो आपका एक्सेंट समझ सकता है, जैसे कि इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश कनाडा, इंग्लिश जेनेरिक, आयरलैंड, न्यूजीलैंड वगैरह। तो अगर आप साउथ एशिया से हैं या मिडिल ईस्ट से हैं, आप इंग्लिश इंडिया चुन सकते हैं। चलिए हम कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं, वापस से व्हाट्सएप में जाते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है। आप भी हिंदी में बोलकर टाइप कर सकते हैं। सेंड पर क्लिक कर दिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता, थैंक यू, धन्यवाद।